नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं ऐसी खबरें लेकर आया हूं कि उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि धमाकेदार खबरें हैं। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती की हो, चाहे 40,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के स्थगन आदेश को लेकर हो, और 69,000 उत्तर कुंजी मामले पर भी महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए। बड़ी खुशखबरी है सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो सबसे पहले कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने समस्त सोशल मीडिया ग्रुप्स पर, और अगर अभी तक आपने लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना इस तरह के जो वीडियो हैं वो आपसे मिस हो जाएंगे और जानकारियाँ आपसे छूटती रहेंगी। अमरेंद्र बाहुबली जी का ये पोस्ट है, उन्होंने कहा है कि न्यायालय में भी न्याय नहीं, उत्तर कुंजी मामला खारिज, न्याय के लिए डबल बेंच जाने के लिए इन्होंने कह दिया है। तो साथियों, इनके द्वारा भी आपने सुना कि 69,000 उत्तर कुंजी में जो भी समस्त याचिकाएं थीं उन्हें खारिज किया गया। इन्हीं उत्तर कुंजी मामलों के कारण इस भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी लेट लतीफी हुई है। खुशखबरी उन अभ्यर्थियों के लिए है जो तृतीय काउंसलिंग में उनका नंबर आने का चांस है, क्योंकि अगर उत्तर कुंजी मामला अभ्यर्थियों के पक्ष में आता तो उनके पीछे हटने के भी चांस हो सकते थे। इसलिए 69,000 तृतीय काउंसलिंग में शामिल हो रहे अभ्यर्थी खुश हो जाएं। चलिए देखते हैं अगली अपडेट। बड़ी खुशखबरी से पहले जान लेते हैं, यहां पर आप देखिए एसएससी ने अभी ऑफिशियली यहां पर अपडेट कर दिया है कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 टियर 1 का जो एग्जाम है, जो कि 21 मई से 22 मई के बीच में होना था, उसे स्थगित कर दिया है। और यह स्थगन किया गया है वेस्ट बंगाल में, जो इतना चुनाव और कोरोना कहर के कारण। वहीं पर दूसरी जो परीक्षा है वो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल की है, टियर 1 की, यह भी एग्जामिनेशन 2020 का है, जो कि 29 से 7 जून के बीच में होनी थी, इसे भी स्थगित किया गया है। कारण है कोविड-19 यानी कोरोना का कहर। वहीं पर दूसरी बड़ी अपडेट जो है, इन दोनों अपडेट के अलावा एसएससी ने यहां पर बड़ी अपडेट जो जारी की है वो यहां पर महत्वपूर्ण है, जो कि ये है। ये अपडेट है कांस्टेबल जीडी के 40,000 पदों पर, जिसका विज्ञापन इसी महीने जारी होना था और ऑनलाइन आवेदन लिए जाने थे। यहां पर बताया जा रहा है कि फर्स्ट वीक मई 2021 में जारी होने वाला जो नोटिफिकेशन है 40,000 पदों पर, उसे फिलहाल यहां पर पोस्टपोन कर दिया गया है अनिश्चितकालीन के लिए। अब अगला कब यह विज्ञापन आएगा कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों में इसको लेकर खुशखबरी थी कि एसएससी के द्वारा 40,000 बड़ी पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो जा रहा है और हम इसके लिए आवेदन करेंगे और सरकारी नौकरी पा सकेंगे। लेकिन अभ्यर्थियों की जो कामनाएं हैं वो टूट चुकी हैं, एसएससी ने यहां पर सभी चीजें स्थगित कर दी हैं, कारण कोरोना ही बताया जा रहा है। अब साथियों, अहम और महत्वपूर्ण खबर है 69,000 भर्ती में तृतीय काउंसलिंग का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए। तो साथियों, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैंने आपको पहले ही सूचना दी थी कि इसी महीने आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। नया भारत न्यूज की अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज है। यहाँ पर स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद के अनुसार इसी महीने में लगभग 6,300 पदों पर जारी हो सकती है 69,000 शिक्षक भर्ती की अगली सूची। मैंने आपको कल ही सूचना दी थी कि इसी महीने जो कट ऑफ लिस्ट है, जो मेरिट लिस्ट है, जो अभ्यर्थियों की लिस्ट है, वो इसी महीने अंतिम से पहले जारी कर दी जाएगी और 15 जून से पहले सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे, जिसमें 23 मार्च को बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के निर्देश के बाद अब तक विभाग की जो रिक्तियाँ हैं वो निश्चित नहीं बता पाया। यहाँ पर अनुमानन बताया गया है कि 2200 सभी वर्गों की रिक्तियां हैं और 11,133 अनुसूचित जाति जनजाति को मिलाकर लगभग 6,300 पदों पर ये नियुक्तियां होनी हैं। वहीं पर बताया गया है प्रशांत पांडे जी के द्वारा, यहां पर मीडिया है, इन्होंने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की 23 मेरिट लिस्ट जल्द जारी की जाएगी और इन्होंने आंकड़े जो है वो अलग बताए। इन्होंने कहा है कि 5,746 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो कि इसी महीने शुरू होने जा रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि उम्मीद है कि 5,100 पदों पर ही मेरिट लिस्ट जारी की जाने की संभावना है, या तो अगली जो यहां पर आंकड़े हो सकते हैं वो जो अगला आंकड़ा है वो है 6,300 का, यानी कि 5,100 या 6,300 पर अभ्यर्थियों को नौकरी तृतीय काउंसलिंग के तहत मिलने जा रही है। तो बड़ी गुड न्यूज है 69,000 शिक्षक भर्ती में तृतीय काउंसलिंग का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए। तो साथियों, जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी होगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहां पर अगर इंफॉर्मेशन आपको मिली हो तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।